हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन सरोहा। आज का डिटेल वीडियो में फिन निफ्टी की एक्सपायरी, मॉर्निंग में फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों अपडेटेड। थोड़ा सा डिले हुआ, एक्चुअली सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था तो 9:30 हो गया था जब तक अपडेट किया गया, बट 9:30 पे भी प्राइसेस नॉट गोइंग वेरी हाई और लो। सो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों के OTM में आज फिर द डे इज़ 24th डे टुडे। 22 दिन पहले पूरे हो चुके हैं, आज 24वां दिन। सोमवार मंगलवार की बात फ्राइडे को बोली थी कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट जैसा भी रहेगा, 2 दिन अगर मार्केट अच्छी रही तो हमारी एक्यूरेसी रेट और बढ़ जाएगा, अगर बुरी रही तो एक्यूरेसी रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2% 3%, बट स्टिल इट्स क्वाइट एक्सीलेंट। 24th डे और आउट ऑफ 24 ओनली 3 डेज टू ब्रेक इवन, 1 कंप्लीट लॉस। सो आज के लिए क्या हुआ वो देख लेते हैं। 300% का कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर सकते हैं। तो 15 रुपये पे हैज हुआ 9:30 एग्जैक्टली, मेरा यहीं पे अपडेट हुआ था तो प्राइस कुछ 15 रुपये 18 रुपये चल रहा था और उसका प्राइस भी 18 रुपये 20 रुपये चल रहा था। तो 15 रुपये के आसपास हैज हुआ। 15 रुपीज़ का 15 रुपीज़ का हैज हुआ फिन निफ्टी में। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में हैज हुआ 105 106। निफ्टी में हुआ अप्रोक्सीमेट 3840 निफ्टी, 105 106 इन बैंक निफ्टी। सो वेयर द मार्केट इज 15 रुपये से लेके 202 कितने गुना, 15 टाइम्स 15 टाइम्स 15 टाइम्स 1500%। अगर पहले हाई की ही बात करें तो हाई इज 116 विच इज आल्सो ए 7 टाइम्स। एंड उस टाइम पे लो प्राइस जो था वो 2 रुपये का था, 2 रुपये 3 रुपये का लो था, 12 रुपये उसमें लॉस हो रहा था और उसमें एक बड़ा अमाउंट आ रहा था। तो हैज आज भी अच्छी चली। और बाकी लेवल की बात करें तो 15 रुपये 15 पैसे का लेवल भी था, 15 रुपीज़ 15 पैसे का एक लेवल था। मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर द 15 इज़ 15। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि 15 रुपये 15 बाय एंट्री 2 लेवल था, विच इज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल बाय एंट्री 2। और बाय एंट्री 2 पे मार्केट का हैज हुआ, क्लोजिंग 20 रुपये थी और 20 रुपये से 15 रुपये आया। 15 रुपये का प्राइस एग्जैक्टली 15 रुपीज़ की मैंने लाइन लगाई, 15 की लाइन लगाई हुई है, उसके ऊपर क्लोज दिया। इसका क्लोज देख लीजिए, 15 रुपये 90 पैसे लो, 15 रुपये 20 पैसे और इसका लो 13 रुपये 50 पैसे, क्लोज एट 18 रुपये। तो 18 रुपये पर ट्रेड आपका हो सकता था। और यहाँ पे डायरेक्टली बाय एंट्री 2 के लेवल से ट्रेड हुआ और 18 रुपये 70 पैसे, 18 रुपये 70 पैसे भी है, 18 रुपये 5 पैसे, 18 रुपये 70 पैसे उसके आगे। चलिए, तो एक नेकेड बाइंग भी हुई, 15 रुपये 15 पैसे पे एक नेकेड बाइंग भी हो सकती थी। और नेकेड बाइंग के बाद बाय एंट्री 2 लेवल था, विच इज द बाय एंट्री 2 लेवल ठीक है, ओके। सो उसके बाद पुल बैक लेवल की बात करें तो पुल बैक लेवल में भी एंट्रीज मिली हैं। और बैक टू बैक मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का हैज मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, बेसिकली वहाँ पे आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी के हैज में क्या हुआ, 100 105 पे एंट्री हुई, 106 106.80 का लेवल था, 106.80 इज़ न्यूट्रल लेवल। आफ्टर 9:30 इसको ट्रेड करना होता है। 106.80 का लेवल था, 106.80 का लेवल पे एक्जैक्टली मार्केट ने ये 915 920 925 विच इज़ 30th क्लोज। तो जो 30 का क्लोज है वो 105 का लो है और 116 का क्लोज है। तो वहाँ पे आपको एंट्री इस पे देखने को मिल गया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक, 9:30 925.30 का क्लोज है तो 116 रुपये का क्लोज, लो वैल्यू 105 रुपये 5 पैसे, लेवल इज 106। उसके बाद बैक टू बैक मार्केट ऊपर क्लोज किया, ऊपर गया, देन पुल बैक एंट्रीज। द फर्स्ट पुल बैक एंट्री, मेरे सभी क्लाइंट को पता है कि इस तरह की पुल बैक एंट्री जब एक बड़ा हाई होता है तो पुल बैक एंट्री कैसे लेते हैं और उसमें कितने कॉन्फिडेंटली उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। द क्लोज इज 235, वैल्यू इज 221। अगर एक बार एंट्री छूटी 235 से मार्केट से डायरेक्टली 317 गया है, 235 से 317 अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट के आसपास गया, 90-92 पॉइंट गया। तो और यहाँ पे अगर नियर बाय क्लोज देखें तो लो वैल्यू 270 227, 5 पॉइंट ऊपर है और वहाँ से मार्केट फिर से एक बड़े लेवल के ऊपर। 419 का हाई हैज से देखें तो 400 टाइम्स 400%, sorry not times, 4%, 4 times and 400%, राइट। और हाई 314, अगर पहली बार में ही हाई देखें तो जो बैंक निफ्टी का वैल्यू था, अगर इस हाई की बात करूं मैं तो पहला हाई ये है, तो यहाँ पे दूसरे का प्राइस 33 था, अनदर प्राइस इज 33, 100 रुपीज़ पे है हुआ, 105 106 पे हुआ, तो 70-75 रुपीज़ इसमें गए हुए थे और उसमें 314 करीब 214 पॉइंट का प्रॉफिट है, 210 पॉइंट का प्रॉफिट मानिए। मैं हाई लो की वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी लो वैल्यू और वहाँ भी हाई वैल्यू है, तो दोनों का हाई लो वैल्यू ही कंसिडर कर रहा हूँ। क्लोजिंग वैल्यू कहाँ पे एग्जिट किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें अलग हैं। 150% के ऊपर कब ट्रेलिंग करते हैं और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक, तो कब तक उसको होल्ड कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। तो ठीक है, वहाँ से वहाँ पे हुआ तो उसके बाद दोबारा से फिर 400%, मतलब फिर से 100 पॉइंट का एक मूवमेंट आया, 300 से लेकर 400 रुपये का एक मूवमेंट आया। बट स्टिल अगर इस हाई पे भी बात करूँ तो इस हाई पे प्राइस जो है 20 रुपीज़ है, यहाँ पे 30 रुपीज़ है, तो वहाँ पे 10 रुपये गए, वहाँ पे 100 रुपये गए। और यहाँ पे अगर मैं पहले हाई की बात करूँ तो फर्स्ट हाई 310 पे प्राइस है 33, 70 पॉइंट डाउन एंड देयर इज अप्रोक्सीमेट 160-170 पॉइंट सब। ओके, निफ्टी की बात करें, निफ्टी होल्ड किया जा सकता है। निफ्टी आज थर्ड प्रोडक्ट था, थर्ड एसेट था। निफ्टी को आज अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को यूज़ किया जाता है। सो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में 40 रुपये का है और 40 रुपये का मिड पॉइंट न्यूट्रल लेवल, 40 रुपये का न्यूट्रल, 40 रुपये 85 पैसे का न्यूट्रल लेवल था और 40 रुपये 85 पैसे का न्यूट्रल लेवल 925 एक्जैक्टली। और उसके बाद 930 पे भी, 930-35 पे भी सेम लो, 3950 का लो और 45 का क्लोज। तो 930 पे और 925, 30 के क्लोज पे और 930 के क्लोज पे, ओपन पे और क्लोज पे दोनों पे ट्रेड देखने को मिला। जैसे 930 क्लोज जैसे 935 और 45 का क्लोज है, 39 का लो वैल्यू 39। हमारे पास लेवल जो था वो 40, 39 का है तो 40-85 का लेवल था। 40 रुपीज़ पे हैज हुआ तो 40 रुपीज़ का हैज 97 गया, दोबारा 55 आया बट 97 डायरेक्ट हाई है। 97 के बाद अगर उस टाइम पे मैं लो प्राइस देखूं तो 20, वहाँ पे सिर्फ 20 पॉइंट गए हैं, वहाँ पे 20 पॉइंट गए हैं और यहाँ पे 57 पॉइंट आ रहे हैं, यानी 37 नेट प्रॉफिट चल रहा है। अगर 40 की बात करूँ तो 100% 80 हुआ, 80 के बाद फिर से 20 पॉइंट मिले हैं, यानी 150% के आसपास ये चला है। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग ईजिली इसमें भी हो सकता था। तो बैक टू बैक 3 ट्रेड, तीनों में वही बड़ा प्रॉफिट। एक्सपायरी सिंबल 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स आज। तो अगर मैं 15 रुपये से बात करूं तो काफ़ी बड़ा, 15 गुना। और 219 का है, 225 ही होता है, 15 × 15। सो और अगर कंसेप्ट की बात करूं तो 150-150% से नीचे किसी में नहीं मिला, सब में मिला। हैजिंग वहाँ पे क्या गया, वहाँ पे 50% गया और 100% यहाँ पे। सबसे रेयर सिंबल देखिए, जब 3 सिंबल यूज़ करते हैं तो जो थर्ड सिंबल होता है वो अल्टरनेटिव रहता है, इसलिए मैं उसको सीक्वेंस में दिखाता हूँ। पहला सिंबल क्या था, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी फाइनेंस का प्रोडक्ट है। सेकंड सिंबल क्या है, बैंक निफ्टी। कल की एक्सपायरी या डे बिफोर एक्सपायरी एक सिंबल यूज़ करते हैं, एक एक्सपायरी वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो एक्सपायरी वाला सिंबल कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 10/10 विल बी। तो बैंक निफ्टी को फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर उसके बाद निफ्टी की परसों एक्सपायरी है, तो आपके पास 2 दिन बचते हैं होल्ड करने के लिए। तो अगर आज की पोजीशन प्रॉफिट बुक ना करें और होल्ड करें तो कल भी देखा जा सकता है, परसों भी देखा जा सकता है। 10/2 पोजीशन को होल्ड किया जा सकता था और दूसरा उसमें होल्डिंग की जरूरत नहीं थी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छे खासे प्रॉफिट में 300-400% ऊपर जाके वापस आया है, तो 400% एक एसेट चला हुआ है। तो उसमें आपको कहाँ तक, मतलब आप वेट कर रहे हो। तो जब इंट्राडे की बात आती है, जब प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है तो 150-200% के बाद बुक कर सकते हैं। नहीं तो मेरा टारगेट 300% का है। तो अगर कंसेप्शनली देखें 300% बैंक निफ्टी ने 300% किया, फिन निफ्टी ने किया, निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी सिर्फ 120, 150, 150% के आसपास चला, तो निफ्टी में होल्ड चला गया कल के लिए, परसों के लिए। तो हमारे पास 2 दिन हैं, दोनों दिनों में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी देख सकते हैं। सो निफ्टी एट होल्ड एंड बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी गिवन अ गुड प्रॉफिट, गुड रिटर्न्स, गुड मूवमेंट टुडे। और 24th डे आज है और उसमें हमने बैक टू बैक बड़े बड़े सीक्वेंस में, बड़ी बड़ी परसेंटेज में और बड़े और OTM के ट्रेड हमने देखे और आगे भी देखते रहेंगे। डिटेल वीडियो ऐसे ही बनता रहेगा। कल से साथ में ATM को भी जोड़ेंगे। आज ATM में भी अच्छा मूवमेंट आया, ऐसा नहीं कि ATM में मूवमेंट नहीं आता, बट परसेंटेज ऑफ रिस्क रिवार्ड, RR रेशियोज बेसिकली ओटीएम में हाई हैं। एक्यूरेसी रेट एटीएम से 5-7-10% एक्स्ट्रा है, ठीक। लेकिन अब अगर आप इक्वल भी उसको मेजर करें कि इक्वली वो 70 है, 75% एटीएम है तो 70-75 ओटीएम है, बट रिस्क रिवार्ड उसमें 20% के बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट को आप ट्रेल कीजिए, कम से कम 12-15% हर एक ट्रेड में आता रहे। उसको हम पिछले 2-3 सालों से सेम कंसेप्ट पे फॉलो कर रहे हैं। और ओटीएम में थोड़ा सा ये है कि ओटीएम में 30% के बाद आप करते हैं तो उसमें 25%, मतलब ओवरऑल अगर 7% का 8% का स्टॉप लॉस है हमारा, 7% के स्टॉप लॉस के साथ वो 1:3 और ये 1:4, मतलब फिर भी, या फिर 10% का स्टॉप लॉस कंसिडर करें तो 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। सो जब ये हेजिंग का एक वैल्यू आती है, हेज की बात आती है, तो उसमें तो हम शायद मास्टरी कर चुके हैं, पीएचडी हो चुका है उसमें। तो पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यू एटीएम में भी मैंने लगातार 1 महीना कंप्लीट हैज दिया था, वहाँ भी हम 18-19 दिन विन किए थे, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। 24 डे 2 डे लूज, 1 डे लूज, 2 डे ब्रेक इवन। अगर तीनों दिन को लूज मानना चाहते हो तो लूज मानिए, बाकी आई कॉन्ट एक्सेप्ट दैट। और होल्डिंग जब हो जाता है, जैसे कल अगर आज कोई भी प्रॉफिट नहीं देता, दोनों जीरो होते तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के दोनों होल्ड पे चले जाते। और कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में किसी में भी प्रॉफिट आता है, दोनों में ही प्रॉफिट आ जाता, मे भी कॉल चलती मे भी पुट चलती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगले दिन वो जो आज का सिंबल लॉस हुआ है उसने कुछ बड़ा प्रॉफिट दे दिया तो काम खत्म, वो इक्वल हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, या अगले दिन थोड़े से प्रॉफिट में निकलेंगे। सेंसेक्स ने अक्सर ऐसा किया है, बैंक एक्स ने अक्सर ऐसा किया है कि अगर सेंसेक्स जीरो हुआ तो बैंक एक्स ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है, जो कि सेंसेक्स के पॉइंट से बहुत ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे अगर आपको 200 पॉइंट का लॉस हो रहा है सेंसेक्स में, तो बैंक एक्स ने उसमें 800-900 पॉइंट का सडन मूवमेंट दिया है, अगले दिन इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन करके, और उसमें प्रॉफिट मिला है। तो चलिए, ये था आज का डिटेल वीडियो, और बने रहिए, कल फिर मिलते हैं डिटेल के साथ। आज 24 डे है, 24 दिन पूरे कर चुके हैं, और होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजिक प्लान, ये स्ट्रेटजी या ये हमारा जो ओटीएम का एड ऑन था, ये आपको पसंद आया होगा। और आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कनेक्ट मी विद व्हाट्सअप और टेलीग्राम, जो भी पॉसिबल होगा हम करेंगे। आई विल टीच यू, आई विल ट्रेन यू, आपको कैसे ट्रेड करना है, मेरे लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, वो मैं सर आपको बता पाऊंगा। और एक 2-3 घंटे की ट्रेनिंग में ही आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे, लेवल से आप ट्रेड कर पाएंगे, लेवल को देख के उस पर आप बाई सेल कुछ भी कर सकते हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर पॉसिबल, विद दैट आराम से आप कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।